पहली बार देखी होगी आपने ऋषि बरात। आज मंदिर में ही बैंड बाजा आ चुका है और देखिए नीचे आहा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं माँ भवना देवी जी के मंदिर पे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि यहीं पे आज जो बारात का जो कार्यक्रम होगा यहीं मंदिर पे होगा, तो इसीलिए फाइनली पहुंच चुके हैं हम मंदिर पे। और कुछ गाड़ियां अभी पीछे वापस जा रही है क्योंकि कुछ बरातियां नीचे छूट गई है रोड के वहां पे, क्योंकि गाड़ियां कम थी तो वापस वो लेने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद बारात का जो भी कार्यक्रम होगा आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा, आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना इस प्यारे से ब्लॉग को। तो भवना देवी मंदिर का जो नज़ारा है कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ नीचे से, तो अभी देख सकते हैं आप लोग चोटी दिख रही है माता रानी का मंदिर का, देखिए आप लोग ऊपर देखिए। और जो भी यहाँ पहली बार पहली बार यहाँ पे आया भी है वो भी, और जो नहीं आ रखा वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। और नीचे देखिए आप लोग यहाँ से हमारा मौलेखाल क्षेत्र का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिखता है। यहाँ पे जो पहाड़ है बहुत ही सुंदर दिखते हैं, अभी दिखाऊँ आप लोग को। ये देखिए हमारा मौलेखाल एरिया ही है इधर, और ठीक आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये है पोखरी मंदिर जो वाइट वाइट आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, और उसके इधर ही है देवैल हॉस्पिटल। तो दगड़े दूल्हे राजा की भी गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे, देखिए आप लोग। तो यहाँ पे है जूतों का स्टैंड है यहाँ पे, जहाँ पे जूते रखे जाएंगे। या ये देखिए यहाँ पे जूते रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ी घंटी यहाँ पे देखने को मिलता है, घंटा बोलते हैं इससे यहाँ पे। तो इधर देखिए यहाँ से अंदर के जाने से पहले आप लोग देख सकते हैं कि इधर कुछ इस तरीके से यहाँ पे गुफा टाइप का है जहाँ से आपको अंदर के लिए प्रवेश करना होता है माता रानी के मंदिर के लिए। और बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है अभी माता रानी के मंदिर का। तो अभी यहाँ पे घंटे देखिए आप लोग लाइन वाइज, और ये है मंदिर जो बहुत ही सुंदर सा मंदिर है माँ भवना देवी जी का। तो भवना देवी का मंदिर है ये, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार ब्लॉग के माध्यम से, लेकिन आज मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे आज बारात लेके आ गया हूँ, यहाँ पे बारात में आया हूँ अभी यहाँ पे शामिल होने के लिए। तो इस समय जो भी कार्यक्रम होगा आप लोग दिखाने का प्रयास करूंगा, आप लोग बने रहना आज के ब्लॉग में, बिल्कुल भी स्किप मत करना आज के ब्लॉग को। तो दगड़ियों आज आप लोग देख सकते हैं कि आज मैं माँ भवना देवी मंदिर पे लेके आ गया हूँ आप लोगों को, क्योंकि आज यहाँ पे वैसे घूमने के पर्पज़ के लिए नहीं, लेकिन बल्कि यहाँ पे आज जो बारात है उस बारात के पर्पज़ के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। यहाँ पे बारात होने वाली है अभी, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि चामी गाँव से बारात यहाँ आ रही है। एक तरफ से गर्म गर्म चाय बन रहा है, दूसरी तरफ से यहाँ पे लोग चाय का आनंद ले रहे हैं, गर्म गर्म पकौड़े भी है और चाय भी है। तो देखो गर्म गर्म चाय और पकौड़ी मैंने भी ले लिया यहाँ पे, जैसे कि सभी लोग यहाँ पे चाय पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं वैसे मैंने भी चाय पकौड़ी ले ली। तो फटाफट इसका आनंद लेते हैं, उसके बाद आय का ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा आप लोगों के लिए। तो फल की टोकरी यहीं पे है देखिए आप लोग। तो देखो पहली बार देखी होगी आपने ऋषि बरात, आज मंदिर में ही बैंड बाजा आ चुका है और देखिए नीचे आहा। माँ भवना देवी का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। मंदिर का नज़ारा देखिए आप लोग कितना प्यारा लग रहा है, और ठीक मंदिर के नीचे ही बैंड बाजा आ चुके हैं जो हमारे पहाड़ी वाद्य यंत्र है। आज का ब्लॉग को देखो जय लोग तो शेयर कर देना, ताकि आपने पहली बार इस ब्लॉग को देखा नहीं है तो आज पहली बार ऐसा ब्लॉग देखने को मिला आप लोगों को, तो एक शेयर एक लाइक और कमेंट तो बनता आप लोगों का। बहुत सुंदर नज़ारा अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वीडियो के माध्यम से। दूल्हे राजा पहुँच चुके हैं मंदिर की ओर और बारात प्रस्थान करे धीरे धीरे मंदिर की ओर। वाव मजा आ गया, शानदार बारात,
बहुत ही मजेदार अपराध, ऐसा अपराध आपने आज तक देखा नहीं होगा। जितनी तारीफ दौड़ की जाए ना इस बारात की, तो उतना ही कम है। बहुत ही सुंदर बारात और मंदिर बारात हो रही है, बहुत मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा है पूरा वातावरण, हाँ बहुत शानदार। शाबाश, बहुत शानदार। बहुत सुंदर नजारा, ऐसा ब्रत अपने आज तक देखा भी नहीं होगा। बहुत शानदार ब्रत, बहुत ही मजा आ गया आज के ब्रत में, बहुत ही मस्त ब्रत, वो भी भवानी देवी मंदिर पे बैंड बाजे के साथ प्रस्थान करते हुए मंदिर की ओर, बहुत ही शानदार ब्रत। एक भांजा मेरा ये है जो मैं ब्लॉग को कहां से देखते हैं, पंजाब से ना, हाँ पंजाबराज और प्रिंस। तो बोलिए हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मेरे मामा के ब्लॉग देखने में व्यस्त होंगे। धन्यवाद, बाय बाय बोल दो। Hare Ram, Sastina, Indra, Ura, Dharma, Sastina, Ram, Bhagavad, Ram, 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 Ram,
ಚಿತುರೆ ಬಾನಿಲಾಗಿ ಚಿತುರೆ ಬರುಲಿ ಬಾನಿಲಾಗಿ ಚಿತುರೆ ಆಮುಕಿ ಡಾಯಿಮಾ ಕಫಲಿಕ್ಕಿ ಡಾಯಿಮಾ ಬಾಂಜಕ್ಕಿ ಡಾಯಿಮಾ ಬುರಸಿಕ್ಕಿ ಡಾಯಿಮಾ ಓನಾಲಿ ಜಿತುರೆ ಬಾನಿಲಾಗಿ ಚಿತುರೆ ಬರುಲಿ ಬಾನಿಲಾಗಿ ಚಿತುರೆ ಬಾನಿಲಾಗಿ ಚಿತುರೆ We'll be right back.